अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? और वही सुबह वही रूटीन सुबह हो गई है। मैं बाहर इसलिए नहीं जाके बनाती, वो मैं बाहर जाती नहीं हूँ, वरना तो मैं बाहर की ज़रूर बनाऊँ। 6-6, 7-7 माह बाद कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या डॉक्टर का जाना है तो फिर मैं जाती हूँ, वरना नहीं जाती हूँ। बाहर तो सोया हुआ क्योंकि ये भी मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं सुबह 6 बजे सोई थी थोड़ी सी देर के लिए और फिर मैं 7:45 बजे उठ गई, तो फाल बेचारा मेरे साथ जाग रहा था और बच्चे सोए हुए थे साथ। अस्सलाम वालेकुम, अंदर घुस जाओ कैमरे के, सलाम करो सही तरह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब, तो इधर क्यों आ रहे हो? उधर ही रहो ना, अंदर ही घुसता जा रहा है जैसे वो यूट्यूब के अंदर पहुंच जाना है इसने। और ये साद अब उठ के बेचारा खाने लगा, ये भी उठा हुआ 7:45 बजे का। वो मैंने नाश्ता तो बनाया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो वो लेने गए हैं इसके पापा बाहर से खाना, नाश्ता लेने गए हैं। मैंने कहा मैं अपना काम शुरू करूं, फिर मेरी कौन सी सास से नांदा है जो मेरी आगे का हेल्प करा देगी, खुद ही करना पड़ना है सारा काम। और गाइस आज फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, वैसे ही इतने चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से गर्मी देख रही है, देखो अभी भोरा बादल है, ये देखो नीचे धूप। वो देखो कितना पुराने दरख्त हैं कब्रिस्तान के अंदर ना, इतने पुराने दरख्त हैं, इतनी शाखें और ऐसे जैसे वो किसी बंदे का चाटा नहीं बिखरा होता, मैला सा बंदा हो वो नहाता ही ना हो, है ना, उस तरह के वो दरख्त के चाटे बिखरे हुए सारे। और मैं सोच रही हूँ मैं ना पहले सीढ़ियों की सफाई कराऊँ, झाड़ू लगाऊँ, फिर जा कर ना मैं ऊपर की सफाई करती हूँ। रोज़ देखा भी झाड़ू और 8 दिन के बाद 7 दिन के बाद धो लेती हूँ फर्श। और गाइस आप सुनाएं कैसे हैं, और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें मेरी तबीयत ठीक हो जाए, अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखें फिर जाना था लगवाने के लिए लेकिन गए नहीं अभी तक, मेरी तबीयत ख़राब हो रही। अच्छा गाइस ये मैं फिर काम करती हूँ और हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं। हाय गाइस, और हम अब नाश्ता करें, तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। मामा सलाम नहीं करना बेटा, क्या अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। मामा अब उठी हो आप? हाँ? आप कब उठी हो? बुखार क्या होता है? नहीं, कहाँ, टीथ में दर्द हो रही है। ये देखो गाइस हम नाश्ता कर रहे हैं, वही काले चने और नान थे, और शमामा ने ये बनाना सारे गिरा दिए फ्रिज से निकाल के ले आई है। अच्छा जी शमामा जैबत, इसने ना नान गिरा दिए, मैं चाय रखी थी बनाने मैं भूल ही गई रख के। ये देखें चाय का भी बुरा ही हाल हो गया, ये दूध बॉयल हो रहा। और गाइस प्लीज़ हमारी वीडियो वॉच किया करें, हम लोग वॉच ही नहीं करते, कोई रिस्पांस तो देना हमें, हमारे व्यूज़ भी नहीं आते। और आज गाइस मैं ना बनाऊंगी आलू गोभी, हम साग तुम दोगी। हम जब छोटे होते थे ना तो हम कहते थे आलू गोभी हम साग तुम धोबी, और भी बड़ा बड़ा कुछ कहते थे, अब तो याद नहीं, बच्चों वाले हो गए ना सब कुछ भूल भाल गया। ये देखें चाय सही बनी है, सही बनी होगी। गाइस दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे हमें भी आपको भी, अल्लाह ताला अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें सब। और पता नहीं चाय दोबारा गर्म हुई है कि नहीं, गिर ना जाए, मैंने टेढ़ा किया
कप भी टेढ़ा टेढ़ा चाय पानी भी टेढ़ी है। ये देखो गाइस आज ना थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धो लें, पता नहीं अब ये लग के कपड़े धुलेगा कि नहीं। देखते हैं मशीन में लगा के तो आई थी पानी, और फिर चाय पीने के बाद किचन में जाऊंगी और कुकिंग स्टार्ट करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। कुकिंग स्टार्ट कर दी है तो वही प्याज फ्राई की है, उसके बाद मैंने इसके अंदर लंबा लंबा अदरक काटा है प्याज के साथ, उसे भी ज़रा गोल्डन किया। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, वो भाप हो रही है ना एकदम। और ये देखें गोभी अभी मैं छील रही हूँ और आलू साथ साथ छील रही हूँ, साथ साथ मसाला तैयार कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे एकेडमी जाना है बच्चों की। और ये देखें सारे मसाले, और ये मैं सारे इकट्ठा डालने लगी क्योंकि ये गोश्त थोड़ी है, फिर इसको अलहदा फ्राई करेंगे और मसाले सॉरी ऊपर करूँ कैमरा अलहदा डालेंगे। एक हाथ में होती है ना चीज़ें और एक हाथ में होता है मोबाइल। चलो इसको थोड़ा सा ना मसालों को सूट सुटा दें थोड़ा सा इसके अंदर पानी, और ये हमने इसके अंदर सूट दिया, इसको इधर रख देते हैं। लाइट जलाऊँ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, लाइट गई हुई है यूपीएस ऑन था, सॉरी चम्मच की आवाज़ आ, क्या कहते हैं इसको, चम्मच कहते हैं इसके, चमचा कहते हैं या खमखीर कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं। अच्छा जी तो ये देखें थोड़ी आँच तेज़ करें या लाइट भी रहने देते हैं क्योंकि अभी हमने गोभी काटनी है, तो ये सारे मसाले इसमें डल गए। और अब मैं ये काटती हूँ गोभी, कितनी खूबसूरत गोभी लेकर आया लड़के से मंगवाई, इतनी गंदी गोभी सारी तो मैंने काट के फेंक दी है। तो फिर आप हमसे बने रहिए, मैं आपको ये आलू गोभी इकट्ठे डालनी है ना तो छील कर फिर मैं डालती हूँ उसमें, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मसाला बिल्कुल हो गया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो अब ये देखें ये भी रेडी हो गई है आलू गोभी और ये धनिया, तो अब मैं इसको ऐड कर ना बीच में डालती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। ये देखें ये मैंने डाल दी है इसके अंदर गोभी, पानी नहीं डाला क्योंकि गोभी का अपना बहुत ज़्यादा पानी निकल आता है, इसका आप इधर कर लगते हैं। ये देखें और थोड़ी सी आंच तेज़ कर देते हैं। तो ये देखें आंटी तो मैं रखा ही हूँ, नक्शा देखें ज़रा, अभी अभी कायदे आज़म पढ़ा के गए इनको वो सॉरी कारी साहब और क्या करूँ कायदे आज़म नहीं कहती रहती मैं, और कारी साहब अभी पढ़ा कर गए हैं। और ये देखें इनके हालात, इसने सारे टॉयज अपने निकाल दिए, उसने सारा कुछ गर्म बरम कर दिया, ये देखें सारा बैग शैग ऐसे जैसे अपने ससुराल जा रही चीज़ें सामान लेकर। ये मिनट से पहले क्लियर होना चाहिए, जल्दी करो नहीं। इतना धर्म भरम कर दिया सारा रूम बच्चों को। अब मैं एकेडमी के लिए रेडी करती हूँ, फिर इनको रेडी करने के बाद आपसे मिलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस ये देखें शुभमा बच्चे रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ, आज मैं बच्चों को अकेडमी छोड़ने जा रही हूँ। ये देखो ये साध कंगा भी नहीं करा हुआ गोल बालों वाला, शमामा और साल पहनो बेटा। और ये देखें मैं भी रेडी हो गई बाया पहन लिया, और शमामा क्या कर रही हाँ मैंने आपको तो वो दिखाया नहीं आलू गोभी ना बिल्कुल रेडी हो गई। ये देखो आज खड़ी खड़ी है, उस दिन बैठ गई थी बल्कि लेट ही गई थी पतीली में, तो मैं इनको छोड़ने जा रही हूँ, हो सकता है मैं रास्ते में बनाऊँ इनकी एकेडमी में व्लॉग, फिर मैं आपको दिखाऊँगी।
हाय गाइस, ये देखे हम जा रहे हैं एकेडमी। मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ। आप भी एकेडमी जाओगी? आगे हो बात हो आगे हो। नहीं भागना नहीं है सड़क पर। इधर आओ मामा। गाइस इनको ले जाना ना बहुत ही मुश्किल का काम है सड़क के ऊपर। ये देखें अभी ये हमने बहुत दूर जाना है। अभी सामने इधर हो जो तारे उसे। अभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर रश शुरू हो गया। फिर मैं शादमान क्या करने जा रही गंदे नाले की स्मेल कितनी आ रही है। गाइस रात के 10 बज गए। तो ये देखें शमामा जाना आकर फ्रेश भी हो गई है। शमाम आप कूल गए थे, लोए तो नहीं थे? और गाइस मैंने कपड़े धोए हैं, मैंने लगाया है 7 बजे मशीन। ये देखें सारे कपड़े मैंने धोए हैं। ये देखें इतने ज़्यादा वहाँ तक मेरी तबीयत ख़राब थी। ये देखें बनोला करवा के हूँ मैं। और फिर मैंने कहा उतार दें कल फिर लगा लेंगे। मैंने कपड़े धोने किचन भी कपड़ों से धोने। हटो साथ है? क्या साथ? हाँ मैडम ने कुछ कहा था फिर? नहीं गीला सारा वो देखो हो रहा है फर्श। ये देखें लॉन्ड्री में जा रही हूँ मैं। मैंने कहा बंद करें मशीन चल रही है। थोड़े से कपड़े रह गए थे बच्चे आए हैं ना अकेडमी से। बच्चे अकेडमी से आए हैं तो मैंने कहा मैं उनके भी धो। चलो अब कल नए न्यू ब्लॉग के साथ फिर कल बात होगी। खांसी आ रही है ना मैं रोक रही इसलिए चुप हो जाती। बच्चों को अकेडमी से छोड़कर यहाँ भी कपड़े हैं सारे। तो बच्चों को ना अकेडमी छोड़कर तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी बनोला खुलवाने। और फिर मैं रास्ते की थोड़ी सी वीडियो बनाई, बोली नहीं क्योंकि मुझे डांट पड़ जानी थी ना कि बाइक पर कैमरा ऑन किया हुआ है। और मौसी से बस सड़क ही बनाई थी। और अल्लाह हाफिज़।